बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ बात करें अगर पीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से। एक तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 पीपीएससी ने अनाउंस की थी संडे को, वो मौका नहीं मिल सका डिस्कस करने का, लेकिन उम्मीद है आप लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट देख ली होगी पीपीएससी की वेबसाइट पर। अगर नहीं भी देखी तो अब भी देख सकते हैं, वेबसाइट पर मौजूद है। उसके अलावा अपकमिंग जॉब पे हमने कल सॉरी पिछली वीडियो में बात की थी, ये फ्राइडे को लास्ट जो फ्राइडे था तभी अपडेट हुआ था पोर्टल, और उसके अंदर कुछ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीटें जो हैं वो कुछ ऐड हुई थी, जिनमें जूनियर क्लर्क की थी, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह वगैरह, ये सारी सीट्स जो हैं अपकमिंग के अंदर ऐड हुई थी। उसके अलावा अगर बात की जाए रिजल्ट्स की, तो पीपीएससी ने कल भी कुछ रिजल्ट अनाउंस किए थे, कुछ आज भी अनाउंस किए हैं। आज स्पेशली जो है वो पीएमएस 2022 का रिटन टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस किया है पीपीएससी ने। उसके अलावा कल कुछ फाइनल रिजल्ट्स भी अनाउंस किए थे, कुछ रिटन टेस्ट भी अनाउंस किए थे, रिटन टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। सो वो जो है आप पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा खुलने में टाइम ले रहा है। ये ओपन हो जाता है तो हम देखते हैं। एक तो पीएमएस का रिज़ल्ट आया हुआ है, उसके अलावा जो है आज कोई रिज़ल्ट आया या नहीं आया वो हम देखते हैं। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको नज़र आता है 2C 2023 कम्बाइंड कंपेटिटिव एग्जामिनेशन PMS 2022। उसके अलावा कल जो रिज़ल्ट आए थे उसमें अकाउंट एंड फाइनेंस असिस्टेंट का 5K 2023, और इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट ऑन रेगुलर बेसिस 1B 2023, ये रिटन टेस्ट के रिज़ल्ट जो हैं वो आए हुए हैं। पीएमएस के रिज़ल्ट का लोग वेट कर रहे थे, वो भी आज अनाउंस कर दिया पीपीएससी ने। होपफुली डीएमसी का टैब भी आने वाले दिनों के अंदर जो है अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनकी डीएमसीज का टैब भी पीपीएससी वेबसाइट के ऊपर अलग से शो करता है, तो वहाँ से आप लोग अपनी डीएमसीज भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो कल रिजल्ट्स आए थे फाइनल रिजल्ट्स, उनमें एक तो 37D 2022 हेड नर्स मेल, उसका रिजल्ट आया हुआ। उसके अलावा लाइब्रेरियन 3K 2023, इसका फाइनल रिजल्ट कल पीपीएससी ने अनाउंस किया था। उसके अलावा अगर आप बात करें प्लानर की, तो प्लानर में नए एग्जाम का शेड्यूल अब तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अपडेट वो आपको याद होगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 377 सीटें आई थी, तो उसको पीपीएससी ने जो है वो वापस डिपार्टमेंट की तरफ भेज दिया था। तो अभी जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये सारी जो सीटें हैं इनके आगे स्टेटस में उन्होंने लिखा है कि पीपीएससी हैज़ रिटर्न द रिक्वायजेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो ये पीपीएससी ने तब भी नोटिफिकेशन इशू कर दिया था, यहाँ भी अब आप अपडेट आपको नज़र आ जाती है कि पीपीएससी ने ये रिक्वायजेशन वापस भेज दिए। उसके अलावा अगर बात की जाए तहसीलदार की सीटें, सुनने में आ रहा है कि वन करीब अनाउंस होने वाली हैं, होपफुली विद इन अ वीक उसका एड एक्सपेक्टेड है, सो वो एड आने के चांसेस हैं। और सिलेबस के हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि इस मरतबा 2 की बजाय 4 पेपर कंडक्ट होंगे, सो ये चीज़ें जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगी जब पीपीएससी तहसीलदार की सीटों की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको पब्लिश करेगा, तो उसके अंदर सिलेबस में चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी। सो तहसीलदार की सीटें आने वाली हैं, होपफुली विद इन अ वीक इंशाल्लाह ये भी आ जाएंगी। ये कुछ अपडेट्स थी जो कि आपसे शेयर करना ज़रूरी था। उसके अलावा असिस्टेंट का पेपर जो है वो 15 अक्टूबर को होने जा रहा है, असिस्टेंट पंजाब पुलिस का जो लीक्ड पेपर है वो 15 अक्टूबर को कंडक्ट होने जा रहा है, सो कैंडिडेट्स उसकी भी तैयारी रखें क्योंकि अब डिले होने के चांसेस नहीं है उसके अंदर। और कैनाल पटवारी के हवाले से लोग पूछते हैं, उसके हवाले से देखिए कुछ आप कह नहीं सकते, हो सकता है कि अक्टूबर के एंड में कंडक्ट हो जाए वरना फिर नवंबर में हो जाए, सो ये आगे पीछे डेट्स हैं, तो कंडक्ट होने के चांसेस हैं कि अक्टूबर में शायद हो जाए वरना फिर नवंबर में। सो प्रेपरेशन को आप जारी रखें, जितना भी डिले होता है जाहिर बात है आपको तो टाइम मिल रहा है प्रेपरेशन का, तो आप लोग प्रेपरेशन करते रहें, क्योंकि अचानक से जब डेट अनाउंस हो जाती है तो उसके बाद प्रेपरेशन करना या उस रिविज़न करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो ग्रेजुअली करते रहा करें, होपफुली इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, और इंशाल्लाह जितने भी बेरोज़गार लोग हैं या जो भी नौकरी की तलाश में, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको अच्छी से अच्छी जॉब अता करेंगे। सो दुआओं में भी याद रखा करें एक दूसरे को। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।